क्या आप जानना चाहते हैं कि वीडियो से जिफ कैसे बनाते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। जिफ, कुछ लोग इसे गिफ भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये एक इमेज का फॉर्मेट है जो स्टैटिक यानी कि स्थिर इमेजेस और एनिमेटेड इमेजेस दोनों को सपोर्ट करता है। ये 1987 में CompuServe ने इंट्रोड्यूस किया था और आज ये इंटरनेट पर बहुत पॉपुलर इमेज फॉर्मेट बन गया है। ये एक आर्टिकल है जो मैं इंटरनेट पर पढ़ रही थी, जहां ये बोला जा रहा है कि जिफ्स पोस्ट करना बहुत ही आम सी बात हो गई है और लोग अपने इमोशंस को दिखाने के लिए आजकल टेक्स्ट के बजाय जिफ्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे ये है एक जिफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग जिफ है, शायद वीडियो को इन्होंने कन्वर्ट किया है। और देखते हैं नीचे, ये भी एक जिफ है, पता नहीं ये कैसे बनाया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये नीचे स्क्रॉल किया, ये एक ड्रिंक की एड है और ये भी एक जिफ है। एक और दिखा देती हूँ, ये एक जिफ है जो एक मेकअप वीडियो को शायद इन्होंने ले करके जिफ में कन्वर्ट किया है। बहुत ही अमेजिंग सा ट्रीटमेंट है और बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। इमेजेस से जिफ कैसे बनाते हैं, इस टॉपिक पर तो क्या कैसे पर कुछ महीने पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका है। आप चाहें तो आप स्क्रीन पर क्लिक करके उसे आराम से देख सकते हैं। अब सीख लेते हैं कि वीडियो फाइल को जिफ में कैसे बदलते हैं। यहाँ मैं आपको दो वेबसाइट्स दिखाने वाली हूँ। सबसे पहली वेबसाइट है imgflip.com। आइए देख लेते हैं। ब्राउजर में टाइप कीजिए imgflip.com और ये imgflip की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी अलग अलग जिफ इमेजेस आपको इनके होम पेज पर ही मिल जाएगी। ये वो इमेजेस हैं जो और लोगों ने अपलोड की हैं, बनाई हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। आप चाहें तो आप इनमें से किसी भी जिफ को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी खुद की जिफ इमेज बनाना सीखने वाले हैं। ये देखिए, राइट साइड में है मेक अ जिफ, उधर क्लिक कर देते हैं। अब एक नया पेज खुल गया। यहाँ पर देखिए आपके पास दो टैब्स हैं। पहला टैब है वीडियो टू जिफ और दूसरा है इमेजेस टू जिफ। अगर आप इमेजेस टू जिफ पर क्लिक करते हैं तो आप अलग अलग फोटोज को अपलोड करके जिफ बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वीडियो टू जिफ सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो विकल्प हैं। आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी वीडियो का URL या उसका वेब लिंक डाल सकते हैं और अपने आप ये वाली साइट उस वीडियो को खींच लेगी, या फिर आप यहाँ पर वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर एक YouTube वीडियो अपलोड करके सिखा देती हूँ। ये है मेरा एक YouTube का वीडियो जो मेरा एक्चुअली ट्रेलर है, तो मैं इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C, और imgflip पर गए और यहाँ पर पेस्ट कर दिया Ctrl+V। ये देखिए, ये जो है अपने आप वीडियो आ गया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलहाल 260 पिक्सल का विड्थ इसको अपने आप बाय डिफॉल्ट दे दिया गया है। आप चाहें तो आप इसे बड़ा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रो वर्जन की ज़रूरत होगी और आपको थोड़े पैसे देने होंगे। तो हम इसे बंद करके और हम जो है इसे 260 ही रखते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर जिफ अगर बनाएंगे तो ये जो ग्रीन है ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये जो लाल रंग की एरो है ये है एंड पॉइंट, यानी कि आखिर कहाँ हो। तो हम इसे ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। ये देखिए, आपको जोन सा एरिया कैप्चर करना है आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर सिर्फ आपको 10 सेकेंड तक का वीडियो चूज करने की अनुमति है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा चूज कर लिया है वीडियो, तो हम इस सेक्शन को छोटा कर देते हैं। ये देखिए, हम जो है ये यहाँ से लेते हैं और ये देखिए ये अब 19 सेकेंड हो गया। हम इसे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, ये आ गया क्या कैसे .com, अभी भी
17 सेकेंड्स है, तो हमें 7 सेकेंड और छोटा करना होगा। तो अब ये 10 में से 10 सेकेंड्स हमने यूज कर लिए। अब इस वीडियो के 10 सेकेंड जो हैं जिफ के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और इसकी स्पीड जो है वो है 5 फ्रेम्स पर सेकेंड। अगर आप चाहें तो आप इस इमेज को प्राइवेट भी रख सकते हैं। ये देखिए, प्राइवेट पर क्लिक कर देते हैं तो ये इमेज अब सार्वजनिक या पब्लिक नहीं होगी। और नीचे जो है एक वाटरमार्क आता है, इस साइट का नाम लिखा हुआ आता है, लेकिन अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आपको प्रो वर्जन की जरूरत होगी, तो हम इसे रहने देने वाले हैं। इसका नाम, इसका वाटरमार्क अगर नीचे आ भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब हम यहाँ पर एक टाइटल लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं क्या कैसे। और अब हम ये प्रीव्यू पर क्लिक करके देख लेते हैं कि ये कैसी लगेगी इमेज। चलिए प्रीव्यू पर क्लिक किया, ये देखिए ये इस प्रकार से जिफ बन गए, ठीक ही लग रही है। तो हम जेनरेट जिफ के बटन पर क्लिक कर देते हैं और ये जो जिफ है ये जेनरेट हो गई। अगर आप चाहें तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए ये डाउनलोड इमेज है, इधर क्लिक किया और इसे जो है हम अपने फोल्डर में सेव कर लेते हैं। इसका नाम हमने चूज कर लिया जिफ 1 और सेव के बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये जो जिफ 1 है ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गई। अगर आप चाहें तो आप इस जिफ को कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट जहां आप वीडियो से जिफ बना सकते हैं वो है easygif.com। आइए देख लेते हैं, ये है easygif.com की वेबसाइट। ये देखिए ऊपर जो है ये है जिफ मेकर, लेकिन इसके एकदम साथ में है वीडियो टू जिफ। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, अब एक नया पेज खुल गया। आप यहाँ पर अपनी वीडियो फाइल अपलोड कर सकते हैं। चलिए चूज फाइल पर क्लिक करके कोई फाइल अपलोड कर लेते हैं। चलिए हम ये वाला जो वीडियो है सवाल जवाब, इसे क्लिक करके ओपन के बटन पर क्लिक कर देते हैं और फिर अपलोड पर क्लिक कर देते हैं। तो ये वीडियो जो है नीचे देखिए ये अपलोड हो रहा है। अब आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करेगा और वीडियो के साइज पर डिपेंड करेगा कि आपको इस अपलोड में कितना समय लगता है। तो ये आ गया हमारा वीडियो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 सेकेंड तक आप बना सकते हैं। इधर क्लिक किया तो ये देखिए ये चल पड़ा, इसे हम पॉज कर देते हैं। तो ये जो है 2 सेकेंड है, हम इसका जो स्टार्ट टाइम है इधर 2 लिख देते हैं। इसका मतलब कि ये 2 सेकेंड से इस वीडियो को पकड़ेगा। और आप चाहें तो इसे पॉज करके और ये यूज करंट वीडियो पोजीशन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि जो इसकी एग्जैक्ट अभी टाइम स्टैम्प है वो यहाँ पर आ जाएगी। और फिर दोबारा चला लेते हैं, इसे पॉज किया और यहाँ पर यूज करंट वीडियो पोजीशन कर लेते हैं। इसका मतलब ये 2 सेकेंड से लेकर के 6.9 सेकेंड तक जो है वीडियो को लेकर के एक जिफ बना देगा। चलिए कन्वर्ट टू जिफ पर क्लिक किया, नीचे देखते हैं, ये देखिए ये जो जिफ है ये आ गई। अब जिफ तो बन गई, आप चाहें तो आप इस जिफ को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए क्रॉप है, क्रॉप पर क्लिक किया तो आप बता सकते हैं कि आपको कितनी विड्थ, हाइट वगैरह चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं इसका क्रॉप वैसे का वैसे रहने देने वाली हूँ। फिर आए इफेक्ट्स पर, इफेक्ट पर क्लिक किया, ये जो है आप इसे अलग अलग कलर्स के फिल्टर यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में ये हल्का सा ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि ग्रे स्केल, अगर ग्रे स्केल पर क्लिक किया और नीचे अप्लाई पर क्लिक किया तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो हमें ग्रे स्केल नहीं चाहिए और अब हम अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं, जिससे कि ये जो इसका ओरिजिनल था ये वैसे का वैसे आ गया। और फिर हम राइट पर क्लिक करते हैं, राइट पर क्लिक किया तो आप इस जिफ पर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप टेक्स्ट ऊपर लिख लीजिए, बीच में लिख लीजिए या एकदम अंत में स्क्रीन के लिख लीजिए। और आपके पास फॉन्ट साइज भी है, तो हम
नीचे जो है क्या कैसे लिख लेते हैं, और इस फॉन्ट साइज को छोटा कर लेते हैं 21। और यहाँ पर आपके पास कलर्स की ऑप्शन है, हम इसे वैसे का वैसे रहने देने वाले हैं। फिर है अलाइनमेंट, हम इसे लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। और आपके पास है फॉन्ट, फॉन्ट में हम ये इम्पैक्ट फॉन्ट बाय डिफॉल्ट चूज हुआ है, तो हम ओपन सांस रेगुलर कर लेते हैं और क्रिएट इमेज पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये आउटपुट इमेज आ रही है। आपने देखा कि यहाँ पर क्या कैसे नीचे आ गया। ये क्यों यूजफुल है? देखिए क्या होता है कि कई बार हम अपने फैंस के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, और ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है, तो हमने क्रिएट इमेज पर क्लिक किया। हमारे फैंस को पता होगा कि उन्हें अगर वीडियोस देखने हैं तो उन्हें कहाँ जाना होगा। बस ये सारे ऑप्शंस अब आ गए और हमारा जिफ तैयार है। अब हम सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं और अब यहाँ पर डाल देते हैं GIF 2। GIF 2 आ गया, इसे हमने सेव कर दिया। ये देखिए, ये लगभग 3 MB की फाइल है और ये सेव हो रही है। अब ये देखिए, ये GIF 2 आ गया। हम plus.google.com पर जाते हैं और यहाँ पर एक GIF शेयर कर लेते हैं। इधर हम पब्लिक रख लेते हैं और ये देखिए, ये है फोटोज। इधर क्लिक किया, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और ये GIF 2 आ गया। ये GIF अपलोड हो रही है, ये GIF अपलोड हो गई और अब हम शेयर के बटन पर क्लिक कर देते हैं, तो ये GIF हमारे गूगल प्लस में अब शेयर हो गई। तो इसी प्रकार से आप GIF को अपने ब्लॉग में, अपनी वेबसाइट में, टम्बलर, ट्विटर या कोई भी ऐसी वेबसाइट जो GIF को सपोर्ट करती हो, GIF फॉर्मेट को सपोर्ट करती हो, आप उस वेबसाइट पर या सोशल मीडिया चैनल पर वीडियो से GIF बनाकर आसानी से डाल सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रहे, किसी और के वीडियोस अपलोड करके आप कॉपीराइट का उल्लंघन कर सकते हैं, इसलिए फिल्मी गाने या वीडियोस से GIF बनाते समय कॉपीराइट का ध्यान हमेशा रखें। ये है हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सुझाव और सवाल मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। आपके इनकरेजमेंट या प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप भी आसानी से ऑनलाइन मुफ्त में वीडियो से GIF बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।